बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं या मैं ये काम करना चाहती हूं, किस दिन करूं। और दिनों का महत्व ग्रहों के हिसाब से जोड़ने के बाद दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हम आपको सामान्य तरीके से ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस दिन कौन सा काम करना चाहिए और किस दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग दिनों का महत्व क्या है और क्यों है। देखिए, हर दिन का संबंध एक ग्रह के साथ जोड़ा गया है, एक ग्रह के साथ होता है, और उस ग्रह के जो विशेष गुण हैं वो उस दिन के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उस दिन ग्रह की चाल में कोई परिवर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन जो उस ग्रह के गुण हैं वो उस दिन के अंदर पाए जाते हैं। और हर दिन के गुण को जानकर हम अपने काफ़ी काम आसानी से निपटा सकते हैं और दैनिक जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ में आसानी से बड़ी सफलता भी पा सकते हैं। अगर दिन के विपरीत काम किया जाए तो असफलता मिलती है। मान लिया मंगलवार को कोई काम करना मना है और मंगलवार को आप वही काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काम में असफलता की प्राप्ति होगी, आप काम में सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं सोमवार के बारे में, मंडे के बारे में। सोमवार का जो दिन है ये चंद्रमा का दिन माना जाता है और ये तीव्र गति से तेजी से परिणाम देता है। इस दिन वो काम करने चाहिए जिनको आप जल्दी निपटाना चाहते हैं और जिस काम में आप स्पीड चाहते हैं, जिस काम में आप गति चाहते हैं, वो काम सोमवार के दिन करने चाहिए। इस दिन वाहन खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, यात्रा करना, सफेदी करवाना, पार्टी देना यानी भोज का आयोजन करना, ये सब शुभ होता है। इस दिन सोमवार के दिन भगवान शिव की जो उपासना है वो विशेष अनुकूल, विशेष लाभकारी मानी जाती है। इस दिन सामान्यतः सोमवार के दिन नौकरी या कारोबार की शुरुआत ना करें, वरना ये बहुत जल्दी समाप्त होगा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें और सोमवार के दिन काले वस्त्र धारण ना करें। बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार का जो दिन है ये मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। तीक्ष्ण स्वभाव यानी तेज स्वभाव का दिन है ये, मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से परिणाम देता है। मंगलवार के दिन टेक्नोलॉजी के काम करना, तकनीकी काम करना, भूमि के यानी जमीन के काम करना, चिकित्सा की शुरुआत करना और शल्य चिकित्सा करवाना यानी ऑपरेशन करवाना अच्छा माना जाता है। मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष लाभकारी मानी जाती है। इस दिन सामान्यतः शिक्षा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना शिक्षा में बाधाएं बहुत आती हैं। और मंगलवार के दिन मुकदमेबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मुकदमे कभी समाप्त नहीं होते, मामला गंभीर होता चला जाता है। मंगलवार के दिन नीले रंग का प्रयोग ना करें और जहां तक संभव हो उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। मंगलवार के दिन विवाह के बाद विदाई भी नहीं कर सकते,
इसलिए जिन लोगों की शादी सोमवार को होती है वो मंगलवार को सूर्योदय के पहले ही विदाई करवा लेते हैं, सूर्योदय के बाद मंगलवार को विदाई नहीं की जा सकती। बुधवार की बात करते हैं। बुधवार जो है ये बुध ग्रह का दिन है, सरल है, मनोरंजक है और धन के काम के लिए उत्तम माना जाता है। बुधवार के दिन छोटी यात्राएं करना, संगीत और कला संबंधी काम करना, धन का निवेश यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट करना और लोहे का क्रय करना यानी लोहा खरीदना काफी उत्तम होता है। अगर आप प्रोफेशनल शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, आप MBA की शुरुआत करना चाहते हैं, आप लॉ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बुधवार अच्छा होता है। इस दिन यानी बुधवार के दिन भी चिकित्सा संबंधी काम किए जा सकते हैं। बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत बिल्कुल ना करें, कर्जा मत बांटें और जमीन संबंधी काम ना करें। और बुधवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा भी ना करें, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना भी इस दिन अशुभ होता है। बृहस्पतिवार यानी जिसको बहुत लोग गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार जो है ये देव गुरु का दिन है, बड़ा शुभ और पवित्र मानते हैं। इस दिन पवित्रता सात्विकता बनाए रखना जरूरी होता है, इसलिए बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस दिन अगर आप मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा होता है। संतान संबंधी समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं, पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के पितरों के आभार को व्यक्त कर सकते हैं। इस दिन वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत भी की जा सकती है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा भी ना करें। बृहस्पतिवार के दिन सात्विक रहें और कोशिश करें कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए। शुक्रवार, शुक्रवार का जो दिन है ये शुक्र ग्रह का दिन है, स्वभावतः कोमल और आनंददायक होता है। इस दिन अगर आप विवाह करें, पारिवारिक जीवन की शुरुआत करें, प्रेम की शुरुआत करें या रिश्तों की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है। इस दिन हर तरह का क्रय विक्रय खरीदारी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन लगभग सारे तरीके के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन धन का निवेश करने से बचें यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें और वैवाहिक विवाद ना करें, यानी पति पत्नी को आपस में शुक्रवार के दिन विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन अगर वैवाहिक जीवन में विवाद होता है तो वो विवाद समाप्त नहीं होता है। इस दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने से भी जहां तक संभव हो बचना चाहिए। शनिवार का दिन जिसको लोग आम तौर पर खराब समझते हैं, देखिए शनिवार का दिन तेज स्वभाव का और धीमी गति का होता है। इस दिन जो भी काम करेंगे वो काम लंबे समय तक चलेंगे और उनके शुभ परिणाम जल्दी मिलेंगे, इसलिए शनिवार के दिन नौकरी की शुरुआत करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना, दान करना बड़ा शुभ होता है। शनिवार के दिन मुकदमा दायर मत करिए, मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा। चिकित्सा की शुरुआत मत करिए, दवाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा भी मत करिए। जहां तक संभव हो शनिवार के दिन ऐसा लोग मानते हैं कि लोहा खरीदना और बेचना अच्छा नहीं होता है। रविवार की बात करते हैं। रविवार का दिन तीव्र स्वभाव वाला तो है लेकिन शुभ परिणाम देने वाला दिन है। इस दिन सरकार से संबंधी काम आप कर सकते हैं, चिकित्सा की शुरुआत कर सकते हैं, लकड़ी से संबंधित काम कर सकते हैं,
रविवार के दिन शिक्षा की शुरुआत बहुत अच्छी मानी जाती है और रविवार के दिन अगर आप लोहा खरीदते या बेचते हैं तो और भी अच्छा होता है। लेकिन रविवार के दिन वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए प्रयास न करें, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा भी न करें और विवाह के बाद रविवार के दिन भी सामान्यतः विदाई नहीं की जाती है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को विवाह के बाद सामान्यतः विदाई करना उचित नहीं होता है।